दोस्तों मैं फैयाज और आप देख रहे हैं हिंदी में टेक वीडियोस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में जब कोई वीडियो एडिट करते हो और लेयर के ऊपर जब कोई मीडिया को जोड़ना होता है, जैसे अगर आप अपने वीडियो में थंबनेल लगाना चाहते हैं, अपने वीडियो में कोई फोटो लगाना चाहते हैं, अपने वीडियो में इंट्रो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मीडिया का ऑप्शन आता है। अगर आपके काइन मास्टर में ये ऑप्शन नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन को कैसे एनेबल किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक वीडियो ले रखा है, वीडियो के बाद अब मान लीजिए ये देखिए टाइमलाइन में शुरू में है, अब मैं इसमें एक इंट्रो लगाना चाहता हूँ। तो इंट्रो लगाने के लिए आपको पता है सिंपली लेयर को क्लिक करना पड़ता है। लेयर को क्लिक करने के बाद ऊपर जो ये मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया को क्लिक करना पड़ता है। जब हम इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल के जो फोल्डर्स हैं, हमारे गैलरी के जो फोल्डर्स हैं, वो यहाँ ओपन हो जाते हैं और हम जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से हम सेलेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन कई सारे मोबाइल्स में, कई सारे काइन मास्टर मैंने देखा है कि ये मीडिया का ऑप्शन नहीं होता। अभी मेरे कई जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर हमारे काइन मास्टर में ये मीडिया का ऑप्शन नहीं आता है, तो हम इसे कैसे लाएं। तो मैं आपको बता दूं कि हर काइन मास्टर में ये ऑप्शन रहता है, बस ये डिसेबल रहता है, कई बार इसे इनेबल करना पड़ता है। अगर आपका फोन थोड़ा सा पुराना वर्जन का है तो आपको उसमें इनेबल करना पड़ता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इनेबल करते हैं। सिंपली जब आप काइन मास्टर ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। जब आप काइन मास्टर ओपन करें तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, गियर का आइकन दिखेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस गियर आइकन को क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है अबाउट माई अकाउंट, अबाउट काइन मास्टर, और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखिए यहाँ 720p HD दिख रहा है और यहाँ 1x720p दिख रहा है। तो कई बार आपके मोबाइल में ये दोनों ऑप्शन नहीं दिखेगा, या फिर ये ऑप्शन दिखेगा, ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अगर आपके मोबाइल में जब ऐसा होगा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं दिखेगा या दोनों ही ऑप्शन आपको यहां नजर नहीं आएंगे, तो यूं समझ लीजिए कि आपके काइन मास्टर में मीडिया का ऑप्शन भी नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां ऊपर थ्री डॉट है, आप इस थ्री डॉट को क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ देखिए ये थ्री डॉट है, इस तो सिंपली इस थ्री डॉट को क्लिक करेंगे। जब थ्री डॉट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे, लेयर मोड, हाई रेस मोड और रन एनालाइज नाउ। तो आपको तीसरा जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है, रन एनालाइज नाउ। जब इसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिमाइंड मी लेटर, रन एनालाइज नाउ। तो आपको ये रन एनालाइज नाउ बटन को क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं, ये बाहर चल रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके काइन मास्टर में जो है मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने काइन मास्टर में मीडिया के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको काइन मास्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं अधिकतर कमेंट के जवाब देता हूं। अगर आपको यकीन न हो तो मेरे पुराने वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुतों कमेंट के दिए हैं, लगभग सबके कमेंट का जवाब देता हूं। तो इसलिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।